हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल है इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमआई के डिवाइस को रूट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अपने किसी भी एमआई के डिवाइस को रूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे हम अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि पहले मार्शमेलो वर्जन तो जो था मार्शमेलो तक तो किंग रूट से रूट हो जाता था कोई भी फ़ोन। ठीक है, बट उसके बाद वर्जन जैसे बढ़ता चला गया और ये वगैरह जो आते गए तो इनमें जो है क्या किंग रूट जो था वो काम नहीं करता है और रूट नहीं कर पाते हम किसी भी फ़ोन को आपके। ठीक है, तो आपके फ़ोन को रूट करने के लिए क्या करना होगा हमें, तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ गूगल में चले जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है TWRP। ठीक है, उसके बाद फाइल, अगर आपके पास PC लिखना PC और उसके बाद अपने फ़ोन का नाम 4 TWRP 4 अपने फ़ोन का नाम लिख देना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मुझे MI Note 5 Pro की करनी है तो MI Note 5 Pro। ठीक है, इतना सर्च करेंगे तो ये जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे TWRP आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी TWRP फाइलें मिल जाएंगी, हमें देख लेनी है कि कौन सी करनी है। आपको जो करनी है इस वाली साइड से करनी है, सेकंड वाली पे इसमें। अब आपको यहाँ पे TWRP मिल जाएगी, ये देख सकते हैं कि आप ये इमेज फाइल है, इसको आपको क्या करना है डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से अपने हिसाब से। ये सारी रेडमी नोट 5 प्रो की ही है। अब आपको जिसकी करनी है वो उसी फ़ोन का नाम डालें, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि डाउनलोड यहाँ से हो जाएंगी। ये देखिए मेरे ये TWRP डाउनलोड होने लगी। उसके बाद क्या करना है कि अपने फ़ोन को PC में से कनेक्ट कर देना और फास्ट फूड मैट पे ओके करके उसको अपने फ़ोन में TWRP इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आपके फ़ोन में TWRP इंस्टॉल हो जाएगी तो आप ठीक है उसे अपने रिकवरी मैट पे ले जाना है। और रिकवरी मैट पे ले जाके आपको रिकवरी मैट पे ले जाने के बाद आपको एक फाइल आती है रूट करने की, तो सुपर सू, ठीक है, सुपर सू नाम से जिप फाइल मिल जाएगी और जिप फाइल रेडमी नोट 5 प्रो। ठीक है ना, इसको फाइल को तुम्हें डाउनलोड कर लेना है, मैं दिखा देता हूँ। जिप फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ की उसकी जिप फाइल आपको सुपर सू नाम की मिल जाएगी। यहाँ पे नहीं है तो ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं से भी आप देख लेना है दो चार साइट ओपन करके। रेडमी सॉरी अपडेट डाउनलोड सुपर सू रूट फाइल, ये देखिए यहाँ पे मिल गई है और उसके बाद आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको TWRP अपने फ़ोन ले जाके TWRP रिकवरी मैट पे अपने फ़ोन को ले जाना है और वहाँ से आपको क्या करना है कि जो सुपर सू फाइल है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। जैसे ही आप उस फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे तो वैसे ही आपका फ़ोन जब ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि आपका फ़ोन रूट हुआ या नहीं तो आपका फ़ोन रूट हुआ हुआ मिल जाएगा आपको, आपका फ़ोन रूट हो चुका होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं आया है आज के न्यू वर्जन के लिए, जो न्यू वर्जन आते हैं फ़ोन के उनको रूट किया जा सके, क्योंकि एंड्रॉयड में तो अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया है जिससे आप रूट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। ठीक है, जैसे ही आपको आएगा किसी भी डिवाइस का तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।